हेलो जी, मैं हूं आपका अपना शेफ हरपाल। और आज जो रेसिपी लेके आया हूं ना, वो रेसिपी बिल्कुल मेरे टी शर्ट जैसी की फर्क पैंदा। अमां बनाएंगे इतने बढ़िया ना, की फर्क पैंदा। मैं बना रहा हूं मॉक दही वड़ा। दही बड़े बनेंगे, लेकिन जो फटाफट बनते हैं, स्टार्ट टू एंड करते हैं। और बना किससे रहा हूं? ये जिसको हम बटर बटन्स बोलते हैं, राइट, टोस्ट, ये एक प्रकार के बनते हैं। डैम गुड, बहुत खाने में बड़े मजेदार होते हैं। और इससे हम बनाएंगे, मैं सबसे पहले चटनियां बना लेता हूं और दही सेट कर लेता हूं। तो भाई शुरुआत जो है ना, दही से शुरू करते हैं। तो दही में शक्कर डाल लेते हैं, ये लीजिए 3 बड़े चम्मच रोज वाटर, और इसको विस्क कर ले, या चम्मच कांटा किसी से भी इस तरह से मिक्स कर ले। ये जो शुगर हमने यूज किया है, ये पाउडर शुगर है, ठीक है जी। अब पाउडर घर पे नहीं हो तो कुछ मत करिए, सीधा मिक्सी में खड़ी शक्कर को ग्राइंड कर लीजिए, ठीक है। ये लीजिए, ये दही तैयार, वाह। ये लीजिए, नेक्स्ट हम बनाएंगे इमली की चटनी, और वो भी एकदम सिंपल वाली। ये इमली जो है आधा कप ले ली हमने, पानी में भिगो के रख दिया, ये डाल देते हैं। थोड़ी सी खट्टी साइड में रखेंगे, गुड़ ये भी ले लेते हैं, लगभग आधा कप। और इसमें कुछ मसाले डालने हैं, तो लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, कूटी हुई काली मिर्च ये भी 1 छोटा चम्मच डाल लेते हैं, ठीक है जी। अजवाइन, ये बहुत जरूरी है, 1/2 छोटा चम्मच। चटनियों में ये सबसे जरूरी, सौंठ का पाउडर ये 1/2 छोटा चम्मच डाल, और सौंफ का पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच, हींग ये डाल लें 1/4 छोटा चम्मच, और साथ ही साथ इसमें हम थोड़ा नमक डाल लेंगे। नमक डालते वक्त आप अपने घर में जरूर करिए नमक चमक टनक टनक, आह क्या बात है। ये लीजिए, अब इसको पकने देते हैं आराम से, तब तक मैं अपनी ग्रीन चटनी वो बना लेता हूँ। ये लीजिए, 1 भाग धनिया लिया हमने, ये डाल दिया, 1/2 भाग पुदीना, ओके, 1 अदरक का टुकड़ा, ये लीजिए, ये हरी मिर्चें ले लेते हैं 3 तीखी वाली, कैसे भी डालें, थोड़ा सा पानी डाल लिया, इसको हम पीस लेते हैं। चलिए, ये ग्रीन चटनी, इसको एकदम हरे रखने के जो तरीके हैं ना, वो ये हैं कि इसमें थोड़ी सी बर्फ डाल लें जब आप पीसेंगे, ठीक है। और अब इसमें थोड़े मसाले, नमक करिए नमक चमक, जितनी चटनी है उसके हिसाब से 1 नींबू का रस डाल लें, थोड़ा चाट मसाला 1/2 छोटा चम्मच ये डाल लेते हैं, काला नमक 1/2 छोटा चम्मच, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ये भी 1/2 छोटा चम्मच डाल लेते हैं, और इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और मैं इस बोल में निकाल लेता हूँ। लाइक, चलिए चटनी तैयार, बढ़िया। ये जो खट्टी मीठी चटनी बन रही है इमली की, इसको हम अच्छे से स्टर कर लेते हैं, पकने देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि इमली कई बार जो है ना घर पे सूखी हुई रहती, इस चटनी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली पानी में डाल के उबालना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इमली को सोख करके करना है, मतलब 1/2 घंटा गर्म पानी में सोख करके रखना है, उसके बाद बनाना है। उससे एक ही चीज़ होगा कि आपकी जो चटनी है वो जल्दी बन जाएगी। डायरेक्टली बनाएंगे थोड़ा सा लंबा समय लगेगा। थोड़े से खजूर है मेरे पास, वो मैं इस चटनी में डाल देता हूँ, साथ में पकने देंगे, बाकी मैं ऊपर गार्निश करूँगा बाकी, ठीक है जी। अब ऑलमोस्ट चीज़ें तैयार हो गई हैं, मैं बाकी तैयारी कर लेता हूँ। चलिए, अब ये जो खट्टी मीठी इमली की चटनी पक रही है, इसे मैं छान लेता हूँ। ये इसको अब अच्छे से छान लेते हैं, वाह। चलिए जी, ये चटनी तैयार, इसको अलग रख लेते हैं। ये जो मीठी चटनी है ना, रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस में, भाई अगर आप
अच्छे से रखते हैं रेफ्रिजरेटर में ढक के, और बार बार नहीं खोलेंगे, गीला चम्मच नहीं लगाएंगे, तो 15 दिन आराम से रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है सिंपल, इसी कढ़ाई में जिसमें मैंने चटनी बनाई थी, मैं पानी ले लेते हैं, पानी उबालेंगे और दो चीज़ ज़रूर डालेंगे। अच्छा, आपने रेसिपीज़ बहुत सारी देखी होंगी, ये जो बटर बटन्स जो टोस्ट हैं छोटे वाले गोल वाले, जिनको हम यहाँ पे बॉम्बे में बटर बटन्स कहते हैं, वो बहुत सारे लोगों ने बनाई होगी। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो नहीं बताई वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे फ़र्क पैदा है जी, है ना, यहाँ आप नहीं बोल सकते कि की फ़र्क पैदा, यहाँ पे बहुत फ़र्क पैदा है। तो ये पानी में काला नमक डालेंगे, हींग डालेंगे आधा छोटा चम्मच, ठीक है, और इसको उबालेंगे अच्छे से, ताकि वो जो पानी है ना, जब आप ये बटर टोस्ट डालेंगे उसके अंदर, तो वो एक फ्लेवर पकड़ेगा, अंदर तक जाएगा, तब रियल मज़ा तब आए, वैसे नहीं आए। ये छोटी छोटी टिप्स याद रखिएगा। साथ साथ हम जीरा जो है भून लेते हैं, ये लीजिए जीरा थोड़ा सा भून लेते हैं, भुना हुआ जीरा, ये जो मॉक दही बड़े इस पे पड़े तो मज़ा आएगा, राइट, उसको ज़रा क्रश कर लेंगे, पहले भून लेते हैं अच्छे से। क्या बात है, ये लीजिए जीरा बढ़िया ब्राउन हो गया एकदम, ठीक है जी। अब इसको निकाल के ये वाले मिक्सी के जार में लेके ग्राइंड कर ले, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा पानी भी तैयार है, बस अभी सेट करते हैं दही बड़े। वाह जी वाह, भुना हुआ जीरा बंद करके रखेंगे, इसकी खुशबू गायब नहीं होनी चाहिए। थोड़े से खजूर है मेरे पास, मैं ये काट लेता हूँ, ये ऊपर ऑप्शनल है गार्निश के लिए, ठीक है जी। खजूर नहीं है तो क्या करेंगे, आप किशमिश डाल सकते हैं, वो भी नहीं है तो कुछ मत डालिए, सिंपल है जी। ये है हमारे बढ़िया बटर बटन्स टोस्टीज, ठीक है, इसको डाल देते हैं इसमें, ये है इसमें डाल दिए फटाफट, ये बस फटाफट तैयार हो जाते हैं। चलिए इसको निकाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक मत रखिएगा, पूरे चांसेस हैं कि पूरे मैश हो जाएं, फिर तकलीफ हो जाएगी आपको। ये देखिए कैसे फूल के एकदम दही वड़ा बन गया, राइट, ये बस इसी तरह से बनना चाहिए। और इसमें अब मैं पानी डाल देता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएंगे और ठंडे हो जाएंगे, थोड़ी देर सोक करें। पहला स्टेप था नरम करने का, अब थोड़ा ठंडा करना है, इस तरह से हो जाने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ये जो दही बड़े इस तरह से हो जाने चाहिए। चलिए तो ये तैयारी भी हो गई है, अब परोसने की तैयारी कर लेते हैं। नंबर वन, ये आपने प्लेट ली, सबसे पहले दही डाल देंगे, वाह। अब यहां से ये देखिए एकदम बढ़िया, इसको करेंगे स्क्वीज हल्के हाथों से और ये रख लेंगे यहां, वापस फूलने लग जाते हैं देखिए। चलिए अब वापस दही, खट्टी मीठी चटनी इमली की ये डाल लें, हरी चटनी, वाह, ये कर लेते, ये लीजिए आपके लिए डिजाइन बन गया, बढ़िया, वाह क्या बात है, थोड़े सा लाल मिर्च पाउडर, मजेदार भुना हुआ जीरा का पाउडर, चाट मसाला, थोड़े से खजूर, ये लीजिए भाई हमारे मॉक दही बड़े तैयार। अंदर जो पड़ा है ना वो बड़ा सिंपल है भाई, वो झबेला नहीं है, दाल भिगो और फिर पीसो अच्छे से, फिर वो दही बल्ले जो भल्ले हैं वो अंदर से सॉफ्ट हो गए कि नहीं, उसकी चिंता, वो सारी चिंता दूर भाई। यहाँ पे बन गया एकदम ज़बरदस्त वाला दही भल्ला, वो भी इंस्टेंटली बनाया, स्टार्ट टू एंड आपने रेसिपी देख ली, अब मज़े से घर पे बनाइए। तो जब भी आपके घर में वो बटन टोस्ट हो ना, तो ये वाले दही भल्ले ज़रूर बनाइएगा, परिवार को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। एक लास्ट टिप मैं आपको देता हूँ, ये दही भल्ले बना के थोड़ी देर फ्रिज में रखिए, यानी कि हाफ एन आवर पहले, ताकि जो अंदर जो बटन टोस्ट है ना वो दही पी लें, मसाला पी लें, फिर किसी को भी नहीं पता चलेगा बने कैसे हैं, किसके बने हैं। बस आपके ये
बन गया जी, की फर्क पैंदा।